नाउ हमने पिछले वीडियो में देखा कि डिसॉल्व फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ द बायकार्बोनेट आयंस हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ HbCO2 दैट इज द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे होगा कि जब टिश्यू में, अब यहां पर टिश्यू में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है तो क्या होगा, यहां पर ज्यादा बायकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं, यहां पर एसिडिटी जो है वो बढ़ गई है. ठीक है, जो यहां पर एसिडिटी है बढ़ गई है, यानी कि पीएच जो है वो कम हो गया है. तो विद द इंक्रीज इन एसिडिटी और डिक्रीज इन पीएच इट विल फेवर द अनबाइंडिंग ऑफ द HbO2. ये मैंने आपको अभी जो है वो बताया अभी बोहर इफेक्ट की इंक्रीज्ड एसिडिटी विल फेवर द अनबाइंडिंग ऑफ द HbNO2. ठीक है, तो ये दोनों जो है वो ओपन अप हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इट विल फॉर्म द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन दैट इज HbCO2. और साथ में निकलेंगे हमारे कुछ प्रोटॉन्स निकलेंगे और साथ में हमारी ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलेगी. ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं यहां पर, ये प्रोटॉन्स जाके अब बैठना शुरू कर देंगे किसके ऊपर, आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर. अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर जो प्रोटॉन्स आएंगे वो यहां से भी आ सकते हैं, या ये वाला रिएक्शन जो है इस रिएक्शन से भी जो प्रोटॉन्स हैं वो आते हैं और आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना शुरू कर देते हैं. तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हीमोग्लोबिन पे ज्यादा प्रोटॉन्स आ जाएंगे, यानी कि द मोर प्रोटोनेटेड होमोग्लोबिन विल फेवर द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, के जब ज्यादा प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जब ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिक माहौल होगा यहां पर और हीमोग्लोबिन पे ज्यादा प्रोटॉन्स आ जाते हैं तो वो ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ देता है. तो हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास क्या बन गया, HbH. HbH इज द एसिडिक हीमोग्लोबिक हीमोग्लोबिन और साथ में हमारा ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गया. सो दीज टू रिएक्शन विल फेवर द रिलीज ऑफ O2 एंड द O2 विल नाउ गो टू द टिश्यू वेयर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो यहां पर ये जो डायग्राम है बेटा, ये आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी शो कर रहा है. यहां पर आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट शो कर दिया, कहां पे, इन द केस ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कैसे ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होता है, वो भी साथ के साथ यहां पर आ जाएगा आपके टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए ऑक्सीजन विल इजिली डिफ्यूज फ्रॉम द प्लाज्मा फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ द टिश्यू. नाउ अब जो टिश्यू में हुआ है इससे लगभग उल्टा काम कहां पर होगा, लंग्स में. अब हम देखेंगे सिचुएशन लंग्स में. दिस एक बात बता देती हूं बेटा कि जब मैंने नोट्स बनाए हैं तो मैंने गलती से जो है वो लंग्स वाली सिचुएशन पहले लिख दी है, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो खास ध्यान रखना कि हमने लंग्स वाली सिचुएशन जो है वो बाद में मेंशन करनी है, क्योंकि अगर हमें टिश्यू वाली सिचुएशन समझ में आ गई तो लंग्स वाली जो है वो ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाती है और वो ईजी भी है. थोड़ी सी जो हमारी टिपिकल है वो है टिश्यू वाली. टिपिकल कुछ भी नहीं है, समझ आ गई तो सब आसान है. ठीक है, तो ये जो टिश्यू वाली आप पहले लिखेंगे, मैंने यहां पर डायग्राम तो पहले बनाया है लेकिन जब एक्सप्लेन किया है तो मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने जो है पहले अपना ये एक्सप्लेन करना है, लिखना भी पहले यही है व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ द टिश्यू और बाद में आपने लंग्स वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है. नाउ लंग्स, लंग्स में क्या है, ये मैंने बनाया है लंग एल्वेलाई और ये हम बनाया यहां पर बनाया है अगेन हमने एक RBC. तो लंग्स में क्या है, लंग्स में आपके दोनों गैसेस अवेलेबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. यहां पर जो पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा है किसका है, ऑक्सीजन का ज्यादा है और कार्बन का पार्शियल प्रेशर जो है कम है. सो दैट नाउ हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल मूव इन टू द ब्लड, ब्लड में आ जाएगी और ब्लड से कहां आ जाएगी, ब्लड प्लाज्मा से आपके RBC में. ठीक है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे जाएगी, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं तो हम इसी को देखेंगे.
देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपने देखा था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में प्लाज्मा में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। जब ये ब्लड जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, जब ये ब्लड पहुंच जाता है लंग्स के पास, तो अगेन इट विल ब्रेक इनटू सोडियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस। नाउ अगेन क्लोराइड शिफ्ट हैपन्स, लेकिन अब कैसा होगा, उल्टा। जो क्लोराइड शिफ्ट हमने टिश्यू की सिचुएशन में देखा था उससे उल्टा होगा। अब क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयंस विल मूव इनसाइड एंड क्लोराइड आयंस विल मूव आउटसाइड। यहां पे क्या था, क्लोराइड आयंस अंदर आ रहे थे और बाइकार्बोनेट आयंस जो थे वो बाहर जा रहे थे। तो एग्जैक्टली इससे ऑपोजिट सिचुएशन जो हमारी लंग्स में होगी, देयर इज मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड फॉर ईच बाइकार्बोनेट आयन वन क्लोरीन आयन विल मूव आउटसाइड। अब यहां पे जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, यहां पर एच आयन तो पहले से प्रेजेंट है बिकॉज हमारी जो आरबीसी है वो तो इम्परमेबल है प्रोटॉन्स के लिए और एच आयंस के लिए, तो ये दोनों कंबाइन करके आपका H2CO3 बना देंगे और आगे चलकर ये बना देंगे आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो मैं लिखना भूल गई हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज विल स्पीड अप द रिएक्शन 5000 टाइम्स मोर। अब यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर लंग्स में पास आउट होगी। दूसरा क्या है, हमारा जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जब यहां पर पहुंचता है दूसरी फॉर्म में, जो हमारी दूसरी फॉर्म है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देगा। और दूसरी बात कि यहां पर जो एसिडिक माहौल आपके टिश्यू में था वो एसिडिक माहौल यहां पर नहीं है, यहां पर एसिडिटी जो है वो कम है और यहां पर टेम्परेचर भी क्या है, कम है एज कंपेरिजन टू द टिश्यू। सो दिस ऑल द कंडीशन विल फेवर द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अब कहां को चला गया, लंग्स को, और ये जो हीमोग्लोबिन की सीट्स खाली होगी अब कौन आ जाएगा यहां पर, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन आ जाएगा। और थर्ड फॉर्म कौन सी है हमारे, डिजॉल्व फॉर्म, तो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन हमारे पास ब्लड में आई है प्लाज्मा में वो भी यहां से पास आउट हो जाएगी। सो दीज आर 1, 2, 3, मैंने 1, 2, 3 नंबर जो है उस बेस पे दिया है जिसपे मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है। वहां पे फर्स्ट नंबर था डिसॉल्व्ड को, सेकंड नंबर था आपका बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वाज दी इन द फॉर्म ऑफ द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो तीनों फॉर्म्स में हमने ये तीनों फॉर्म्स बनाई कहां पे, ये तीनों फॉर्म्स बनी कहां पे, टिश्यू में, और अल्टीमेटली ये तीनों फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट कहां हुई, लंग एल्वेलाई में, और लंग एल्वेलाई से कहां चलेगी, आपके बॉडी के बाहर। सो बेटा जब आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो आपने वो तीनों लिखने हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट एंड इन द फॉर्म ऑफ द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वो थोड़ा थोड़ा लिखना है आपने, और ये दोनों डायग्राम आपने बनाने हैं। और अगर टाइम बचता है और आप कर सकते हैं तो आपने जो मैंने डिटेल में लिखा है कि टिश्यू में क्या हो रहा है, लंग्स में क्या हो रहा है, वो भी साथ में लिख देना है। अदरवाइज यहां पे जो रिएक्शंस दिए हैं वो ही मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखे हैं, लेकिन डिटेल में, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर ये दोनों डायग्राम्स आप बना देते हैं तब भी आपका काम जो है चल जाएगा, लेकिन आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि इन द फॉर्म ऑफ द डिसॉल्व फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस एंड इन द फॉर्म ऑफ द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। नाउ अब ये जो लंग्स की सिचुएशन है बेटा, इसको मैंने लिखा भी है ये, ठीक है। अब ये मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के बाद ही लिख दिया, जबकि मेरे को यहां पहले टिश्यू लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको टिश्यू की सिचुएशन समझ आती है तो आपको लंग्स की सिचुएशन जो है वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अब थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं इसको। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लोडेड जो ब्लड है वो आ जाता है लंग्स में थ्रू द हार्ट। अब जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो फेवर करेगी, क्या फेवर करेगी, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेपरेट हो जाए किससे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से। और अब क्या होगा, ये इंक्रीज्ड जो आपकी ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे उतार देगी और फेवर करेगी लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन को। तो यही हमने रिएक्शंस में भी लिखा है। ये आ गया हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
सो द हीमोग्लोबिन विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन व्हेन द हाई ऑक्सीजन इज अवेलेबल, व्हेन द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल. अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलेगी, अब यहां पर हमारे बाइकार्बोनेट आयंस और एच आयन मिलकर आपका H2CO3 बनाएंगे, H2O और वाटर बनाएंगे, ये आपका सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चलेगी. और आपका थोड़ा सा जो एसिडिक हीमोग्लोबिन है, यहां पर जो आपके पास हीमोग्लोबिन निकला, ये जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो ये आपने लिखना तब है जब आपको टाइम मिलेगा. तो ये और जो मैंने लिखवाया है आपको इन द टिश्यू, कि टिश्यू में क्या सिचुएशन है, ये दोनों चीजें तभी लिखेंगे जब आपके पास समय रहेगा, नहीं तो आपने जो है वो सारा का सारा डायग्राम जो मैंने आपको पहले बताया ये वाला यही लिख देना है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में, पहले तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में कि वो कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है. उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ, तीनों फॉर्म्स लिख देनी है, फिर लिख देना है टिश्यू में कैसे हो रहा है, ये सारा उसमें लिख देंगे. उसके बाद हम लिखेंगे कि लंग्स में कैसे हो रहा है, फिर हम ये सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे और साथ में हम डायग्राम जो है वो बनाएंगे ये दोनों. लेकिन हमें डायग्राम पहले बनाना है, लिखना बाद में है. ठीक है, थ्री फॉर्म्स को एक्सप्लेन करके डायग्राम पहले बनाना है और एक्सप्लेनेशन जो है इन द टिश्यू क्या हो रहा है, इन द आरबी लंग्स क्या हो रहा है, ये बाद में लिखना है. राइट, अब ये जो हमारी लंग्स में सिचुएशन हो रही है बेटा, इसी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, एक और इफेक्ट जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस हाल्डेन इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय हाल्डेन, सो इट इज नेम सो. हाल्डेन इफेक्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, कि ऑक्सीजन के आने से कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं. तो होता क्या है इसमें कि जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है लंग्स में, द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स, इट विल डिस्प्लेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन विच इंक्रीज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो बोहर इफेक्ट और आपका जो हाल्डेन इफेक्ट है वो एक दूसरे के लगभग क्या है, ऑपोजिट है, और थोड़ी सी उनमें जो है वो सिमिलैरिटी भी है, तो वह मैं आपको बताती हूं. ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, यहां देखिए आप, हमारा हाल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है, हाल्डेन इफेक्ट बोलता है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ऑक्सीजन आ जाएगी. ये सिचुएशन कहां हुई, लंग्स में, कि ऑक्सीजन आ गई तो हीमोग्लोबिन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, उसको क्या होगा. ठीक है, और साथ में पीएच का भी इफेक्ट रहेगा. तो ये आ गया हाल्डेन इफेक्ट. बोहर इफेक्ट क्या है बच्चों, बोहर इफेक्ट है कि ऑक्सीजन जब जुड़ेगा आपका हीमोग्लोबिन के साथ, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, तो उसके ऊपर किसका इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का क्या इफेक्ट होगा. तो देख रहे हैं आप, कुछ फर्क नहीं है, यहां हम पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट शो कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है किसका, ऑक्सीजन की वजह से, और यहां पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जो पीएच है वो किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर. तो हाल्डेन इफेक्ट हमें देखने को कहां मिल रहा है, लंग्स में, और बोहर इफेक्ट देखने को कहां पर मिल रहा है, हमारे टिश्यू में. तो ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं, तो ये बड़े ढंग से हमने जो है वो याद करना है. अब थोड़ा सा मैंने हाल्डेन इफेक्ट जो है वो डिटेल में लिख दिया है, क्योंकि कई बार ये आपके 2-3 मार्क्स में पूछ लेते हैं. बोहर इफेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में. नाउ दिस हाल्डेन इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के लिए हाल्डेन इफेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी तो वो आपके लंग्स से जो है वो बाहर निकल नहीं पाएगी. अब टिश्यू में क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा अगेन इसको अलग से इसलिए लिखा है ताकि जब आपको हाल्डेन इफेक्ट आए तो वो किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है वो आपको पता लग जाए. ठीक है, तो टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर आपके H2CO3 बना रहे हैं और ये फिर से डिसोसिएट हो जाता है प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन में. ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल अकर, ये रिएक्शन तभी होगा जब आपके ये एच आयन जो है ये कहीं चले जाएं, इनको कोई एक्सेप्ट कर ले. और कौन एक्सेप्ट कर लेगा इन एच आयंस को, अगर आपको पिछला वाला याद हो तो इन एच आयंस को जो है वो कौन एक्सेप्ट करता, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. देख रहे हैं, ये देखो
कि ये रिएक्शन आगे को तभी चलती है क्योंकि ये एच आयन बाहर नहीं ना जा सकते, बायकार्बोनेट आयन तो बाहर निकल गए, ये एच आयन जो है वो ये रिएक्शन तभी आगे कंटिन्यू होगा जब इन एच आयन्स को कोई एक्सेप्ट कर ले। कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इनको एक्सेप्ट कर लेगा और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो वही चीजें मैंने यहां पर लिखी है कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो एक स्ट्रांग प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और खुद एसिड हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी ये आपके टिश्यू को प्रोवाइड हो जाएगी फॉर डूइंग इट्स वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये सारी सिचुएशन कहां पे हुई? टिश्यू में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका लंग। लंग में क्या होता है? लंग में ये सिचुएशन उल्टी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। ये जो रिएक्शन ऐसे को लिखी है ये इधर को लिखेंगे। लंग्स में क्या होता है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी उल्टी। उल्टी यानी कि योर एसिडिक हीमोग्लोबिन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट विल रिलीज द प्रोटॉन और इट विल फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है बना देगी, और ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? आपके एयर से। एयर में कहां से? एयर से जो है वो एल्वोलाई में जाएगी और एल्वोलाई से यहां पर जो है वो चली जाएगी और आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा कहां पर? लंग एल्वोलाई में, ठीक है। अब ये एच आयन्स जो है ये बायकार्बोनेट आयन्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे। ये बायकार्बोनेट आयन कहां आए? कहां से आए? ये आए, ये देखो लंग्स में ये एच आयन्स जो है वो कंबाइन कर जाएंगे बायकार्बोनेट आयन से जो यहां पर आए। ये बायकार्बोनेट आयन एच आयन से कंबाइन करेगा, H2CO3 बनेगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज्ड इन योर लंग्स। सो सेम मैंने वो यहां लिखा है कि एच आयन्स जो है वो बायकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो गए, आपका H2CO3 बन गया, फिर ये आगे डिसोसिएट हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लंग से बाहर जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हार्डन इफेक्ट है ये बताता है कि हार्डन इफेक्ट फेवर्स द इंक्रीज्ड ट्रैपिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हीमोग्लोबिन इन टिश्यू। कि हार्डन इफेक्ट आपको ये शो करता है कि टिश्यू में हीमोग्लोबिन ज्यादा ट्रैप किसको करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, और लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्डन इफेक्ट। जब हार्डन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा तो हार्डन इफेक्ट की डेफिनेशन आपने लिखनी है और ये पूरा का पूरा पेज जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी बोहर इफेक्ट इन डिटेल एंड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत अच्छे से हमने करना है, हमें अच्छे से इसकी समझ आनी चाहिए और कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। ओके, थैंक यू।